सो गाइज़, जैसा कि आप लोगों ने देखा, आज मैं आपको यही वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। तो गाइज़, ऐसी वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी, अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा आराम से सीख जाएंगे। तो चलो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और बताते हैं कि ऐसी वीडियो बनाने के लिए हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो पहला, काइन मास्टर। दूसरा, आपको इस पिलर वाले फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी आपको आगे बताऊँगा, बहुत ज़रूरी है ये पिलर, तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तीसरा, वीडियो जो मैंने शुरू में प्ले की थी उसका साउंड आपको चाहिए होगा, तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो मतलब जो कुछ भी चाहिए होगा ना, सब चीज़ों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। फिर आते हैं एक सबसे ज़रूरी मेन काम पर, वीडियो शूटिंग पर, कि आपको अपनी वीडियो शूट कैसे करना है। सबसे ज़रूरी यही है, वीडियो शूटिंग। तो गाइस, आप यहाँ देखिए, आपको अपनी वीडियो को कुछ इस तरह से शूट कर लेना है। अगर आपके पास कोई है जिसको आप कैमरा पकड़ा सको तो आप अच्छे से दौड़ कर अच्छे से बनाओ, तो अपनी वीडियो को आपको कुछ इस तरह से शूट कर लेना है। ओके गाइस, फिर हम सिंपली चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको आगे की प्रोसेस बताते हैं। उससे पहले अगर आपको आता है ये वीडियो पसंद तो लाइक कर देना और कमेंट ज़रूर करना, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को ऑल पर सेट कर देना। तो चलो, सो गाइस, सिंपल है, आपको अपने काइन मास्टर अप्लीकेशन को ओपन करना और हमेशा की तरह यहाँ क्लिक करके 9:16 वाला रेशियो सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको आना है मीडिया में और आपको अपनी वीडियो को यहाँ से ले लेना है। सो गाइस, इसके बाद आपको यहाँ लास्ट में आना है और ये जब जंप करता है उड़ने के लिए, जैसे यहाँ इसने जंप किया तो ये, इसको दोनों हाथ से थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम, और जब जैसे यहाँ जंप किया तो हमको यहाँ का एक स्क्रीन शॉट ले लेना है, यहाँ क्लिक करके और ऊपर वाला क्लिक करके स्क्रीनशॉट ले लेना है। और इसका ये जो फालतू का ये हिस्सा है थोड़ा, इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। ओके गाइस, फिर हम जाएंगे काइन मास्टर को मिनिमाइज़ कर देंगे और जो हमने स्क्रीनशॉट लिया है उसका बैकग्राउंड को हम रिमूव करेंगे। वो आप चाहे पिक्सल से करें चाहे बैकग्राउंड इरेजर से करें, मैं आपको एक वेबसाइट से कर दिखाता हूँ। ओके गाइज, तो यहाँ आ जाना है और आपको यहाँ लिखना है रिमूव बीजी। रिमूव बीजी लिखने के बाद आपको अपलोड फोटो और अपलोड इमेज करने के बाद, सॉरी ये गलत वाली मैंने कर ली, यहाँ आना है आपको और ये इमेज को आपको अपनी अपलोड कर देना है। इमेज बस अपलोडिंग होगी और आपकी PNG में बन जाएगी, बैकग्राउंड ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। फिर सिंपल आप इसको डाउनलोड कर लें तो ये डाउनलोड भी हो जाएगी। ओके गाइज, तो एक काम हमारा हो गया। अब वापस से अपने काइन मास्टर में हम चलते हैं और सिंपल यहाँ मीडिया में आएंगे और अपनी हम इस वाली वीडियो को लगा देंगे जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। फिर दूसरा काम गाइस, लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे और ये पिलर, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपको इस इमेज की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये पिलर हमको लेना है यहाँ से और यहाँ ऐसे फिट कर देना है। ओके गाइस, और ये इतना हिस्सा इसको हम स्प्लिट कर देंगे यहाँ से और इसको इधर ले आएंगे प्रेस करके इधर, और बस इधर एकदम छोटा सा हम रखेंगे कुछ इस तरह से, जैसे ये कुछ इस तरह से एकदम छोटा हम रखेंगे इधर। सो गाइस, ये हो गया। अब मैं आपको और थोड़ी प्रोसेस बताता हूँ। जैसे यहाँ ये हो गया, अब देखिए यहाँ ये पिलर इधर आ रहा है, तो इस पिलर को हमको यहाँ इधर रखना है और इसको एनिमेट करना है। यहाँ चाबी देख लें, यहाँ चाबी पर क्लिक करें, हल्का सा आगे जाएँ, प्लस पर क्लिक करें और इस पिलर को अपने हाथ से गायब कर दें। अब यहाँ देखिए हमारी वीडियो इतनी कुछ इस तरह से रेडी हो चुकी है, ये हो गई। ओके गाइज, तो इसकी साउंड को हम बंद कर देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। तो इतना काम हमारा हो गया। अब यहाँ आपको करना क्या है, बस एक काम और करना है, सिंपल लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, जो PNG अभी हम लोगों ने बनाई है उस PNG को सिलेक्ट करके यहाँ ऐसे रख देना है, और जैसे यहाँ रख दिया हमने, फिर इसको भी हमको एनिमेट करना होगा। चाबी पर क्लिक करेंगे, आगे जाएंगे कुछ इस तरह से, और आगे जाने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे, इसको अपने हाथ से यहाँ रखेंगे, हल्का छोटा कर देंगे और यहाँ ऐसे रख देंगे। ओके गाइज, अभी आप देखिए एक काम और बाकी, जैसे यहाँ मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, जैसे ये है तो यहाँ देखिए पिलर पीछे जा रहा है, मैं पिलर के ऊपर आ रहा हूँ, तो ये गलत है। तो इसको हमको करना क्या होगा, यहाँ क्लिक करना होगा अपनी फ़ोटो पर और यहाँ क्लिक करना होगा 3 डॉट पर, सेंड टू बैक कर देना होगा। अब देखिए मैं पिलर के पीछे चला गया, अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ एक बार। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, अभी इसमें सॉन्ग ऐड करना बाकी, तो सिंपल हम यहाँ लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे और इस वीडियो की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, तो डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ सिंपल कैंची पर जाके इसकी ऑडियो को एक्सट्रैक्ट करके वीडियो को डिलीट कर देंगे। अब देखिए सॉन्ग भी ऐड हो चुका है, तो आप लोग देख लो एक बार। सो
सो गाइज एज यू कैन सी, फिर सिंपल आपको शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी गैलरी में सेव कर लेना है वीडियो को। ओके सो गाइज जैसा कि आप लोगों ने देखा, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, तो जाओ बना टिकटॉक पर और वायरल हो जाओ, बहुत तेजी से वीडियो चल रही है। जाओ बाय।